गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर भावना तिवारी कर्नाटक। आज मैं आपको सीड जर्मिनेशन के बारे में बताऊंगी। सीड जर्मिनेशन बेसिकली क्या है? जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण, बीज का अंकुरण। तो जर्मिनेशन क्या है? जब एम्ब्रियो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जब एम्ब्रियो की रीएक्टिवेट होती है ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस, जब उसमें प्रिम्यूल और रेडिकल का इमर्जेंस होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के बाद वो जो है सीडलिंग, देन एक यंग प्लांट में जो है हमारा बीज जो है तैयार हो जाता है। तो ये जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है, ये स्टार्टिंग जर्मिनेशन का स्टार्टिंग प्रोसेस है। उसके बाद मेन चीज़ आती है कि जर्मिनेशन के लिए मेन कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो मेन कंडीशंस, एक तो डोरमेंट सीड नहीं होना चाहिए, सीड की वायबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ऐसे कोई केमिकल या इस तरीके की कोई रिएक्टेंट्स उसमें या इस तरीके के कंटेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए जो डोरमेंसी क्रिएट करें या फिर जर्मिनेशन के लिए एक बैरियर की तरह काम करें। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। फेवरेबल कंडीशंस मेन जैसे टेम्परेचर, एयर एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। सीड जर्मिनेशन कई टाइप्स के होते हैं, जैसे ईपीजीएल भी कहते हैं हम, हाइपोजीएल भी कहते हैं। ईपीजीएल एंड हाइपोजीएल, सबसे पहले जब रेडिकल और प्रिम्यूल इमर्ज होते हैं, तो जो रेडिकल का पोर्शन है वो तो रूट में डेवलप होता है, और जो प्रिम्यूल है वो शूट डेवलप करती है और वो सॉइल के ऊपर आ जाता है। लेकिन इसी में जो कॉटिलिडन्स भी होते हैं, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल होता है, इन्हीं के ये किस तरीके से इमर्ज हो रहे हैं सॉइल के अंदर या बाहर, इसके बेसिस पे हम जर्मिनेशन को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। तो पहला आता है ईपीजीएल जर्मिनेशन। ईपीजीएल जर्मिनेशन में जो कॉटिलिडन्स हैं वो सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, तो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे बीज पत्र जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे जर्मिनेशन होता रहता है वो भी बाहर को आता है, तो किसी में क्या होता है वो सॉइल के बाहर आ जाता है। तो इसको, इस तरीके का जो जर्मिनेशन होता है उसको हम कहते हैं ईपीजीएल जर्मिनेशन। और अगर इसमें जो कॉटिलिडन्स हैं वो अबव द ग्राउंड सरफेस आ जाते हैं, एंड हाइपोकोटाइल जो होता है वो इलोंगेट्स करता है ऊपर को, ठीक है। इसी जैसे ये मिलते हैं आपको बीन्स में, कैस्टर, टैमरिंड, अनियन, इसमें जो है ईपीजीएल टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है। उसके बाद आता है हाइपोजीएल जर्मिनेशन, जिसमें कि जो कॉटिलिडन्स हैं वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, और जो हाइपोकोटाइल होता है वो ऊपर को नहीं राइज करता है। और इसके अलावा जो है इसमें वेरियस स्पीशीज आती हैं, जैसे मैंगो, कस्टर्ड, एप्पल, पी, लोटस, मेज, बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हमने दिए हैं। तो इस तरीके का जो जर्मिनेशन होगा हम उसे कहेंगे हाइपोजीएल जर्मिनेशन। यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है ईपीजीएल एंड हाइपोजीएल जर्मिनेशन की। देखिए ये इसमें जो है मूलांकुर और प्रांकुर या प्रिम्यूल या रेडिकल जिसको हम कहते हैं, वो इमर्ज होने के बाद ये रेडिकल से हमारा रूट पोर्शन बन रहा है, और इसी में हमारा ऊपर प्रिम्यूल से शूट पोर्शन बन रहा है, ठीक है। इसी के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। अब इसमें क्या हो रहा है, हाइपोकोटाइल सॉइल के बाहर आ जा रहा है और कॉटिलिडन्स भी सॉइल से बाहर आ जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ईपीजीएल जर्मिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, हाइपोजीएल में क्या हो रहा है, जो रेडिकल और प्यूम्यूल है उसके बीच में जो हाइपोकोटाइल है वो सॉइल के अंदर ही रह जा रहा है, ठीक है, और इसके अलावा जो कॉटिलिडन है वो भी सॉइल के अंदर ही रह जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो जर्मिनेशन होगा उसको हम कहें। नेक्स्ट आता है वीवीपेरी, एक नए तरीके का जर्मिनेशन जिसे हम कहते हैं वीवीपेरी। वीवीपेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का एक कहना चाहिए कैरेक्टर है प्लांट्स का। कभी कभी प्लांट्स वीवीपेरी शो कर देते हैं किसी किसी कंडीशंस की वजह से। तो वीवीपेरी का मतलब होता है कि जो सीड है वो जर्मिनेट होता है तब जब वो अपने पेरेंट प्लांट में अटैच्ड हो, उसी में ही जर्मिनेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं वीवीपेरी। अब वीवीपेरी के कई कॉजेस होते हैं, जैसे वीवीपेरी की पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कभी कभी आपने इस तरीके के कहीं पर सीड्स देखे होंगे कि प्लांट्स में ही कहीं ना कहीं एक इमर्जेंस निकली हुई है, प्रिम्यूल रेडिकल जो है वहीं पे निकले हुए दिखाई देते हैं आपको। तो इसी को हम, इस स्टेज को वीवीपेरी कहते हैं।
तो ये कभी कभी किसी वजह से हो जाती है। इसकी जो वजह है या कॉजेज हैं वो क्या है, जैसे कई एनवायरमेंटल कंडीशंस, जब बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल में जाता है बहुत लंबे समय तक, तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो विविपेरी शो कर देते हैं। और इसमें जो है कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो जेनेटिकली भी विविपेरी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स भी इसमें कई हद तक रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इम्बेलेंस अगर किसी कारणवश हार्मोन्स का होता है, जैसे एक्सेस ऑफ एब्सेसिक एसिड और जिब्रेलिन अगर होता है तो डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है एकदम, और प्लांट्स वहीं पे जर्मिनेट कर जाता है, सीड आई मीन वहीं पे जर्मिनेट कर जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी कई हद तक जिम्मेदार होती है, क्योंकि प्लांट अपने को सर्वाइव करने के लिए जो है सीड को अपने ऊपर ही जर्मिनेट करने की टेंडेंसी रखता है, और जिससे कि सीडलिंग्स जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उन्हें ले सकें। इसके अलावा अडेप्टेशन ऑफ स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स, कई इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से पौधे को अपने को अडेप्ट भी करना पड़ता है। तो अडेप्टेशंस में यूजुअली जो चीज़ें आती हैं, जैसे सीड डिस्पर्सल है, कई हद तक सीड डिस्पर्सल चैलेंजिंग हो जाता है, नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो कंडीशंस कुछ अनप्रिडिक्टेबल ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है एनवायरनमेंट में। ऐसे केस में प्लांट अडेप्ट कर लेता है अपने को और अपने टेंडेंसी रखता है कि वो अपने सीड्स को जर्मिनेट कर दे अपने ऊपर ही जब सीड अटैच है। तो इस तरीके के कई कॉजेज हैं जो कि विविपेरी को ट्रिगर करते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर एक नए टाइटल के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।